हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल उत्तराखंड बर्ड्स उदयपुर में। तो कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम फाइनली अपनी कॉलोनी के लिए नई मटकी जो परचेज़ करनी थी हम कर लाए वो, और कल को मैं मटकी लगाऊंगा 21 तारीख को, जैसे कि 21 तारीख है। और हमारे जो जितने भी भाई हैं सबको ईद मुबारक मेरी तरफ़ से, जितने भी हमारे यूट्यूब पर भाई हैं सबको ईद मुबारक, बकरा ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएँ आप लोगों को। तो मैं बजीस की कॉलोनी में अपनी मटकी लगा रहा था, तो आज पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे हम कॉलोनी में कैसे मटकी लगाएंगे और नई मटकियों में कैसे सुराख करना है। ये पुरानी मटकी रखी हुई मेरी पहले की, तो इसमें सब कुछ लगा हुआ है, और जो नई मटकी लगी हुई है मेरे पास जो आई है अभी, उसमें हम सुराख करेंगे और उसमें ये तार बांधेंगे। तो वही हम आपको इस वीडियो में सब दिखाएंगे, और वीडियो थोड़ी लंबी है, 7 मिनट की वीडियो है, और जो भाई मुझसे प्यार करते हैं वो वीडियो पूरी देखेंगे। और हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, उससे बहुत लगाव रखते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये मटकियों में सुराख करना भी दिखाऊंगा और मटकी लगाना भी दिखाऊंगा कॉलोनी में अपनी। और हमारे राजू भाई हैं एक मेरठ से, तो दाने का काम करते हैं वो, सीड्स वगैरह, सीड मिक्स वगैरह सब चीज़ की देते हैं, सीड मिक्स, समुद्री झाग, सूरजमुखी सब चीज़ बेचते हैं वो। तो उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा मैं, और स्क्रीन पर भी उनका फ़ोटो दिखा दूँगा, उसमें नंबर वंबर सब है। तो आप उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट करें, अगर जिस भाई को भी अगर सीड परचेस करने हो। तो ये देख सकते हो, ये मैंने एक चूड़ी ले ली है 2.25 इंच की, तो उसी हिसाब से हम सुराख करेंगे इसमें। तो सुराख कितने आसानी से हो जाता है इसमें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, बहुत आसानी से सुराख हो जाता है। बस मटकी को आपको उठा के रखना है, और उसके पेचकस ले लें आप या कोई भी नुकीली चीज़ ले लें आप, उसको ज़ोर ज़ोर से एक ही जगह पर मारते रहें तो उसमें सुराख हो जाता है अच्छी तरीके से। तो देख सकते हो एक सुराख हो गया है, वो इसी सुराख के बराबर में हमें ठोकता रहना है। और वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो सुराख करने वाली है, तो मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा दे रहा हूँ वीडियो की, और आप एंजॉय करो वीडियो को, देखते रहो वीडियो को पूरी। फाइनली इसमें सुराख हो चुका है, और कितना बड़ा सुराख करा है मैंने वो भी मैं आपको नाप के दिखाता हूँ फीते से। तो इसमें 2.5 इंच से थोड़ा बहुत कम है, 2 इंच मान लो इसको, और बाकी हमने 2 इंच रखा है इसलिए ये, क्योंकि मटकी हमारी ना बजीज वगैरह मटकियों को खा जाती हैं, तो खुद ही अपना होल बड़ा कर लेती हैं वो मटकियों का। और फाइनली मैंने सारी मटकियाँ तैयार कर ली हैं हैंग करने के लिए। अगर मैं एक मटकी करके दिखाई थी मैंने आपको कम्प्लीट पहले, अगर सब मटकी दिखाता एक साथ तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती, तो इसलिए मैंने एक मटकी कंप्लीट कर ली थी पहले, फिर उसके बाद में वही वीडियो उसी वीडियो बनाई थी मैंने, और बाकी सारी मटकी कंप्लीट कर ली मैंने, देख सकते हो आप। 10 मटकी लेकर आया था कल परचेस करके मैं, और अब कॉलोनी की तरफ चलते हैं हम लोग। तो कॉलोनी में मैंने लबड़ की सफाई कर ली है, और जैसा कि मौसम आज बहुत ख़राब है, बरसात हो रही है सुबह से, तो बरसातों में वैसे कॉलोनी वलोनी को साफ़ करना ही बहुत ज़रूरी रहता है। ये देख सकते हो कूड़ा कवाड़ा निकाला मैंने इतना, और बजीस की कॉलोनी की तरफ ले कर चलता हूँ आपको। उससे पहले मैं ये दिखाता हूँ आपको, जो मटकी हमने तोड़ी थी सुराख करे थे उसमें जो जो टूटा फूटा जो निकला है चूरा टाइप का मट्टी का, ये तो ये बहुत शौक से खाती हैं हमारी बजीज वगैरह ईंटें वगैरह, तो ये इसी में रख दूँगा मैं दोनों कॉलोनियों में थोड़ा थोड़ा, ताकि अगर कभी इन्हें ज़रूरत पड़े मिट्टी खाने की तो ये खा ले करें। तो ये देख सकते हो सब नंबर वंबर डाल दिए मैं नई मटकियों पर, 1 से लेकर 10 तक नंबर डाल दिए हैं, और हम पहले नंबर की मटकी ले कर चलते हैं। शुरुआत पहले नंबर से ही होती है हर जगह, तो पहले नंबर की मटकी मैं कॉलोनी में लेकर चलता हूँ ऊपर वाले का नाम लेके, और अब हम लगाते हैं और देखते हैं फिर कैसी ब्रीड आती है, आप लोगों के सामने ही होगी जो भी रिजल्ट होगा। अब मैं कॉलोनी के अंदर आ गया हूँ, कॉलोनी देख सकते हो साफ़ कर दी मैंने पूरी, और बरसातों में साफ़ सफाई का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए कॉलोनी के अंदर अपनी, केजीज हों या कॉलोनी हो। और सारे बर्ड्स बहुत एक्साइटेड में हैं, क्योंकि इनको नए नए घर मिल रहे हैं इनको, तो बहुत खुश हैं ये इस समय,
और जैसी मटकी लगाई थी मैंने, वैसी मटकियों पे आगे बैठने लगे थे। आगे चल के दिखाएंगे हम वीडियो में। तो ये पहले नंबर की मटकी लगा दी है मैंने ये, और बाकी सब मटकी लगा के मैं फिर आपको दिखाता हूँ। वीडियो के साथ बने रहें अंत तक, वीडियो बिल्कुल स्किप करके ना देखें, फिर आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी और अच्छी भी नहीं लगेगी वीडियो स्किप करके देखने में। तो वीडियो पूरी देखा करें। तो ये देख सकते हो मैंने सारी मटकी लगा दी हैं, और ये मटकी लगाते ही फीमेल है झांकना शुरू कर दी है, और मटकियों का ढक्कन भी लगा दिए मैंने साथ साथ, क्योंकि मौसम आज ठंडा है। और बाकी अभी तो सिलेक्ट होंगी नहीं मटकी, एक हफ्ता तो ले ही लेंगे, इसीलिए मैंने अब लगाई है मटकी, क्योंकि जुलाई के भी 9 दिन दे गए, 9-10 दिन, तो जुलाई भी ख़त्म ही होने वाला, अगस्त चालू हो जाएगा, वही 15 दिन के आसपास ब्रीड हो जाएगी इसके अंदर, मटकियों के अंदर। क्योंकि मैं तो 3 महीने हो गए मुझे रेस्ट देते हुए इनको, मैंने अप्रैल में उतार दी थी मटकियाँ। तो देख सकते हो सब, ये फीमेल आई है और ये बहुत झांक रही है इसमें, और दीवारों में भी गड्ढे कर दिए मैंने, पुट्टी वगैरह कराई थी दीवारों पर, तो दीवारों में भी गड्ढे कर दिए इन्होंने मटकी में जा वो सुराख कर करके। तो ये सब फीमेल अब चालू हो गई हैं ये मटकी सेलेक्ट करने के लिए। बाकी 16 पेयर हैं इसके अंदर, और मैंने 21 मटकी लगाई हैं, एक दो फालतू ही लगाना चाहिए। तो ये देख सकते हो मैंने अंदर रख दिया है ये उसका मिट्टी का चूरा जो था मटकियों का, जिससे सुराख करे थे हमने। तो ये जो भी खाना होगा खा लेंगे, क्योंकि वैसे बहुत मटकियाँ खाते हैं ये, मटकी खा खा के सुराख कर देते हैं बड़े बड़े। पिछली बार की मटकी भी मेरी बहुत सुराख बड़े बड़े कर दिए थे, इसलिए मैंने छोटे सुराख करे हैं इसलिए। तो ये बाहर से दिखा रहा हूँ मैं कॉलोनी आपको, बिल्कुल पास ले आके दिखाता हूँ। तो ये फीमेल हटी नहीं रही यहाँ से, इसको सिलेक्ट करने में लगी पड़ी है ये मटकी। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जुड़े रहो हमारे चैनल के साथ। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू दोस्तों।